मैम मुझे लीव चाहिए। क्यों, अभी 2-3 दिन पहले तो तुमने ज्वाइन किया और अभी? मेरे भैया ऑपरेशन थिएटर में, मुझे जाना है। क्या हुआ ने? उनका एक्सीडेंट हो गया था और अभी उनकी कंडीशन काफी सीरियस है। या अल्लाह, ये हमारे साथ हो क्या रहा है? पहले वो नासिर आया तो दूसरे दिन ही अस्पताल पहुंच गया, और अब तुम्हारे भाई ऑपरेशन थिएटर में पड़े। अब खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो फिर तुम भी। मैम प्लीज, मेरे भैया के बारे में ऐसा मत कहें। या वो माँ शायद नासिर साहब की वजह से परेशान है, इसलिए। नासिर साहब ही मेरे भैया हैं। क्या नासिर तुम्हारे भाई हैं? जी सर। प्रिया, प्रिया। I'm sorry भैया, माँ को पता नहीं था कि नासिर साहब तुम्हारे भाई हैं। उनका मकसद तुम्हें हर्ट करना हरगिज नहीं है। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की वजह से परेशान हूँ और मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ भैया, लेकिन मैं हूँ ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी का भी एहसान नहीं चाहिए। तुम मेरे एहसास को एहसान का नाम क्यों दे रही हो भैया? और दोस्त ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। दोस्त? हाँ, और इस चीज का एहसास तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। अल्लाह भैया को ठीक करते, उनको लंबी जिंदगी दे। मेरे भैया की हिफाजत करें अल्लाह। भैया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय पी लो, यू विल फील बेटर। मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो है। मेरा मतलब था, वो मुझे भी लग रहा है जैसे तबीयत खास ठीक नहीं है, सर में भी दर्द हो रहा है मेरे। तो आप पी लें। अच्छा, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। तो पता, जब भी मैं बहुत परेशान होता हूँ या तबीयत नहीं ठीक होती या सर में दर्द हो रहा होता है, मैं चाय पी लेता हूँ, फौरन ठीक हो जाती है। ट्राई दिस। नहीं, मैं नहीं पी सकूंगी। धनी भैया का ऑपरेशन कब खत्म होगा? भैया तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है, जो इतनी दुआएं तुमने मांगी हैं वो रद्द हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगे, परेशान मत। जाने क्यों जाने ना, दिल लगी जाने ना, जाने ना है जिंदगी, तुझे क्या कहूं मेरी हम। कहाँ चली गई थी भैया? भाई की तुझे जरा भी फिक्र है कि नहीं? भाभी भी नमाज पढ़ रही थी और भाई के लिए दुआ कर रही थी। आई तो तू अपने बॉस के साथ है, वो भी तेरे साथ नमाज पढ़ रहा था। भाभी, बाजी डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब, मेरे शोहर। आपके शोहर अब अल्लाह की रहमत से खतरे से बाहर हैं।
उनका ऑपरेशन कामयाब हुआ है। अल्लाह तेरा शुक्र है, ऑपरेशन कामयाब हो गया। तूने मुझ गरीब की सुन ली, तेरा लाख लाख शुक्र है। आपको अपने भाई की नई जिंदगी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तुम्हें कहा था ना कि जो दुआएं तुम मांग रही हो वो कभी रद्द नहीं होंगी। अल्लाह बहुत मेहरबान है। बेशक अपने बंदों को ज्यादा देर तक गमजदा नहीं देख सकता। उसे अच्छा लगता है जब उसके बंदे खुशी में मुस्कुराएं। रोती हुई आंखें उसे भी अच्छी नहीं लगती होंगी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.